हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना और आज हम आर्डिनो के बारे में समझेंगे. सो लेट्स बिगिन. दिस इज कंटेंट और इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है. माइक्रो कंट्रोलर के बारे में समझेंगे जो आर्डिनो में लगा होता है. व्हाट इज आर्डिनो, टाइप ऑफ आर्डिनो, आर्डिनो यूनो और कैसे आर्डिनो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, इसके बारे में हम इस कंटेंट में चर्चा करेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. अ माइक्रो कंट्रोलर. Microcontroller, it is a micro computer as many computer has internal CPU, RAM and IO interface. It is used as a control purpose and a data analysis. Microcomputer, इसको कह सकते हैं microcontroller को, क्योंकि जो microcontroller होता है उसके अंदर RAM और CPU इनबिल्ट होता है. अगर microprocessor के बारे में बात करें तो उसमें जो इंटरनली RAM और ROM इनबिल्ड नहीं होता है, तो माइक्रो जो होता है कंट्रोलर उसके अंदर खुद की रैम होती है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस माइक्रो कंट्रोलर. द फेमस माइक्रो कंट्रोलर मैन्युफैक्चर आर द माइक्रो चिप एमटेल, इंटेल, एनालॉग डिवाइस एंड द मोर. ये सारी जो माइक्रो कंट्रोलर जो सबसे बेस्ट जो क्वालिटी का होता है एटमेल और इंटेल का होता है. और हमारा जो कंटेंट है आर्डिनो है. आर्डिनो के बारे में समझते हैं. अ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड. द कंटेंट ऑफ द बोर्ड, पावर सप्लाई, यूएसबी पोर्ट टू कम्युनिकेट विद द पीसी एंड एमटेल माइक्रो कंट्रोलर चिप. आर्डिनो क्या होता है, एक ओपन सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग एक्सटर्नली पीसी में कनेक्ट करते हैं और उसमें कोडिंग करने की वजह से जैसा हम कोडिंग करेंगे उस हिसाब से हम अपने डिवाइस को वर्क करा सकते हैं. इट इज़ सिंपली द प्रोसेस टू क्रिएट एनी कंट्रोल सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड बोर्ड दैट कैन बी प्रोग्राम एंड कनेक्टिंग द सिस्टम विदाउट नीड ऑफ सोफिस्टिकेटेड पीसीबी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. और आर्डिनो की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है कि जैसे हम लोग पहले जो क्या करते थे, कोई भी सर्किट है सबसे पहले हम पीसीबी भी बनाते थे, उसके बाद वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो जाता था. इसलिए आर्डिनो का यूज करने से क्या हुआ कि हम लोग उसको ज़्यादा टाइम हमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है, हमें जस्ट प्रोग्रामिंग उसमें अपलोड कर देनी है, उस हिसाब से हमारा डिवाइस वर्क करने लगेगा. जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था जो पियानो, जो पियानो आप लोग यूज करते हैं उसका मैंने एक वीडियो बनाया था. तो पहले मैंने पीसीबी पे डिज़ाइन किया और काफ़ी मुझे टाइम लगा था उसको बनाने में. अगर उसी चीज़ को मैं आर्डिनो से बनाई रहती तो मुझे टाइम नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी उसमें आर्डिनो में हमें बस प्रोग्रामिंग कर देनी होती और उसके बाद वो सिंपली बन जाता. पर हमें अगर हम लोग पीसीबी से बनाते हैं तो हमें डिज़ाइन भी क्रिएट करनी पड़ती है. It is an open source hardware. Anyone can be get detail of the detail modify. It can make own himself. और हम लोग खुद का भी उसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं बाय दस, और अपने हम कोडिंग को चेंज करके डिफरेंट तरीके से वर्क करा सकते हैं. और एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए हमारी एक एलईडी है. आप एलईडी को देखते हैं वो कंटिन्यूसली ग्लो कर रहा है. तो अगर हम चाहें कि वो टर्न ऑफ होता रहे, ब्लिंकिंग करे, तो हम लोग उसकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं. जैसे अगर ऑन रहता है तो उसको टाइमिंग सेट कर दे, कुछ समय ऑन के लिए सेट कर दे, कुछ समय ऑफ के लिए सेट कर दे. तो वहाँ पे हम उसकी ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, तो हमारी एलईडी का डिफरेंट टाइम में उसकी ब्लिंकिंग स्पीड हो जाएगी. तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं. और नेक्स्ट, आर्डिनो बोर्ड भी बहुत तरह का होता है, जैसे आर्डिनो उनो हो गया, मेगा हो गया, लिली पैड, और आर्डिनो बीटी, आर्डिनो नैनो, आर्डिनो मिनी. और आर्डिनो उनो का मैं सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है इस वीडियो में सिखा भी दूंगी. जो आर्डिनो उनो होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा डिजिटल आउटपुट, हम लोग डिजिटल आउटपुट यहाँ पे देते हैं. ये उस यूएसबी पोर्ट क्या होता है, यहाँ से हम लोग एक वायर होता है जिसको हम लोग पीसी से कनेक्ट करते हैं. और ये हमारा, ये जो हमारा होता है माइक्रो कंट्रोलर, यही होता है. माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, एक रैम होती है जो ऑलरेडी इसके इनबिल्ड होती है. और यहाँ से हम लोग पावर सप्लाई देते हैं और यहाँ पे एनालॉग इनपुट हम देते हैं और यहाँ से पावर सप्लाई. और सबसे पहले आर्डिनो को समझने से पहले हमें दो चीज़ क्लियर होना चाहिए, डिजिटल और एनालॉग.
इस डिजिटल एनालॉग इसलिए क्लियर होना चाहिए क्योंकि यहाँ से हम यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 करके यहाँ पे नंबरिंग दी है, तो यहाँ पे हम डिजिटल आउटपुट मिल रहा है और यहाँ से एनालॉग जा रहा है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा डिजिटल और एनालॉग क्या होता है। डिजिटल को सिंपली भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग डिजिटल भाषा में मान लीजिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर, देर इज नो लेटर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोई लेटर नहीं होता है, तो इन डिजिटल में जैसे 1 2 3 4 ऐसे कुछ डिजिट आएंगे। और एनालॉग की बात करेंगे जैसे टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर का वो पॉइंट में भी उसको हम लोग देख सकते हैं जैसे 12.8 25 पॉइंट समथिंग, बट यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है एक्यूरेट होती है। और ऑल द फिजिकल क्वांटिटी आर एनालॉग, एनालॉग मीन्स दैट क्वांटिटी कैन बी टेक एनी वैल्यू बिटवीन द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे हम लोग जो एनालॉग होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में भी हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू। डिजिटल का मतलब है तो क्वांटिटी कैन टेक स्पेसिफाइड लेवल वैल्यू दैट इज स्पैड ऑफसेट बिटवीन द ईच। यहाँ पे हम लोग एक्यूरेट वैल्यू लेंगे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही लेते हैं। मान लीजिए हमें हमारा जो रिजल्ट आया 4.5 आया, 4.5 की सप्लाई हमें मतलब उस सर्किट को देना है, बट हम डिजिटल की भाषा में हम लोग बोलेंगे 5 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, पर एनालॉग में कहेंगे 4.5 ही बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे हम लोग जितनी वैल्यू होते उतना ही लेते हैं। सेंसर क्या होता है? सेंसर सिंपल भाषा में समझें तो सेंस का मतलब होता है क्या हम लोग उसको सेंसर मेजर द फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल। सेंसर कैन बी कंसिडर एट आर्टिफिशियल सेंसर ऑर्गन, जैसे मान लीजिए कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, वो उसको देखना होता है तो वो क्या करता है, एक तरह से सेंस क्या किया, किसी को देखने के सबसे पहले वो सेंस करता है सी करने के लिए। जैसे अगर वही चीज़ हम लोग टेक्निकल के बारे में बात करें तो वहाँ पर हम लोग कोई चीज़ को देखना है, किसी मशीन को किसी ऑब्जेक्ट को देखना है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे रोबोट को वॉच करना है कि कोई रूम में पर्सन इंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर लगा देते हैं। अगर अगर किसी किसी को कोई इंसान है उसको किसी की बात को सुनना है तो कौन सा सेंसर यूज करता है, वो हेयर के लिए हेयर अपने कानों का यूज करता है, वो सेंस करने का काम करता है, वैसे ही यहाँ पे टेक्निकल टर्म में हम लोग एकॉस्टिक सेंसर यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमें कोई खाना बनी है तो उसको स्वाद लेने के लिए हमें अपने टेस्ट वाले सेंस को यूज करना पड़ता है, वैसे ही अगर मान लीजिए बड़े बड़े फैक्ट्री है वहाँ पे हमें जो भी फूड बन रही है तो उसको हम लोग उसको उसके स्वाद को चखना है तो हर समय इंसान नहीं उसका टेस्ट ले सकता है, तो वहाँ पे टेक्निकली जो सेंसर लगे होते हैं केमिकल केमोस इलेक्ट्रिक सेंसर लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो इंसान उसको नहीं उसका सेंस कर सकता है, तो वहाँ पे हम लोग केमो इलेक्ट्रिक सेंसर लगाते हैं जिससे मशीन टेस्ट कर पाए कि इसका कैसा रिजल्ट है क्या इसका। तो एक तरह से बात करें वी वॉन्ट टू डेवलप अ सेंसर टू यूज फॉर द फूड एनालिसिस हेल्थ केयर इन्वायरमेंट टेस्टिंग, तो सेंसर हमारे लिए डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए बरसात होने वाली है और हम चाहते हैं कि वो हमें पता चल जाए विदाउट हमें कोई भी हमें पहले ही अलर्ट हो मिल जाए कि हमें बारिश होने वाला है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं रेन सेंसर लगाते हैं, रेन अलार्म बना देते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ये एक ऐसा सर्किट क्रिएट करे जो हमारे ह्यूमन बीइंग जैसे सेंस करता है उस तरह वो भी सर्किट भी सेंस करने का इंफॉर्मेशन रखे, तो वही एक तरह का सेंसर होता है। डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म द फिजिकल क्वांटिटी इंटू इलेक्ट्रिकल वैल्यू, द लाइट सेंसर ट्रांसड्यूट द लाइट इंटू द चेंज इन द वैल्यू वोल्टेज एंड रजिस्टर। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक ग्राफ शो किया गया है फोटो करेंट और ल्यूमिनेंस के बीच में, तो जो हमारा लीनियरली जा रहा है। अब लाइट सेंसर की बात करें तो यहाँ पे फोटो रेजिस्टेंट फोटो डायोड फोटो ट्रांजिस्टर और ये हमारा LDR है, यहाँ पे हमारा फोटो सेंसर है और यहाँ पे तो यहाँ पे लाइट सेंसर भी कई तरह का होता है, यहाँ पे समझाने की कोशिश हुई है फोटो रेजिस्टर फोटो डायोड फोटो ट्रांजिस्टर। और इस सेंसर का समझने का मेन यही उद्देश्य था क्योंकि हमारे हम डिवाइस को अपने
ह्यूमन बीइंग की यूज के अकॉर्डिंग बनाना होता है, इसलिए हमें सेंसर को जानना जरूरी है। यहाँ पे सेंसर को टेक्निकली वे में हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें किसी के चीज़ को स्मेल करना है कि यह जो केमिकल है उसका कैसा स्मेल आ रहा है, तो हर जगह ह्यूमन बीइंग नहीं स्मेल कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल हो जो हमारे हेल्थ को बहुत ही हार्मफुल करते हैं। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं और वहाँ पे हम उसको जो ह्यूमन व्यू जो वर्क करता है उसको एज अ मशीन के द्वारा कराया जाता है। तो टेक्निकली में अगर किसी चीज़ को स्मेल कराना है मशीन के द्वारा, तो वहाँ पर हम लोग कीमो इलेक्ट्रिक सेंसर लगा देते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आर्डिनो कोडिंग की नेक्स्ट ट्यूटोरियल में समझेंगे। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल, प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन, एंड इफ़ यू एनी सजेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। होप यू एंजॉय दिस वीडियो।